महंगाई के इस दौर में अपनी फैमिली के साथ मिलकर अपनी गाड़ी में बिरयानी, खीर और हलवे की प्लेट 50 रुपए में बेचने वाले सफदर गरीब आवाम को खाना खिला रहे हैं। इनके अंदर ये जज्बा क्यों पैदा हुआ? आ जाते हैं, पूछते हैं कितने का, 50 का, मेरे पास तो 50 भी नहीं है। मैं उनके ना खा लो डब्बा, कोई गल नहीं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। सफदर सर, सबसे पहले मुझे बताएं कि कितने साल से आप यहाँ पर गाड़ी में खाना रख कर बेच रहे हैं? एक साल से। एक साल, उससे पहले आप क्या करते थे? उससे पहले गारमेंट्स की दुकान थी। वो भी लाहौर में थी या किसी और शहर में थी? नहीं, वो किसी और शहर में थी। आप कहाँ से हैं? बुरे वाला से। मुझे ये बताएं सफदर सर कि इस गाड़ी में खाना रख कर बेचने का आइडिया, ख्याल कैसे आया आपको? ये बहुत दिन पहले का ख्याल था, फुर्सत नहीं थी पहले। अब फारग हुए हैं तो ये आवाम की खिदमत का शुरू कर दिया मंसूबा। आपका क्या ख्याल था, क्या आप आवाम की खिदमत करना चाहते थे या आप रेस्टोरेंट चलाना चाहते थे? आपने सोचा कि रेस्टोरेंट का ज़्यादा खर्चा होगा इसलिए आप गाड़ी पर रख के बेचने लग गए? थोड़ा अच्छा खाना, मतलब आवाम मजदूर न मिले, सस्ते च मिले, ओदी पहुँच मिले, इसलिए ये शुरू किया वा। रेस्टोरेंट का तो फिर खर्चा ज़्यादा होना सी, फिर वो सारी गल महंगा होना सी। आपने बेसिकली ये इसलिए शुरू किया क्योंकि आवाम की खिदमत हो सके? जी जी बिल्कुल, आवाम की खिदमत के लिए। मुझे ये बताइएगा कि रोज़ाना आप कितने डब्बे लेके आते, कितने किलो के हिसाब से बिरयानी होती है और क्या क्या होता है बिरयानी के अलावा आपके पास? 200 डब्बा होता है, 200 आदमी का खाना होता है। बिरयानी के अलावा हलवा होता है और खीर होती है। कितने रुपये की बेचते हैं? 50 रुपये की, हर चीज़ 50 रुपये की। बिरयानी भी, हलवा भी, खीर भी, सब 50 का है? जी जी। सफदर साहब, मुझे ये बताएं कि आप, महंगाई इतनी ज़्यादा है, चिकन भी महंगा है, चावल भी महंगे, हर चीज़ महंगी है और आम बिरयानी की प्लेट देखें तो 250-300 से ऊपर ही है, तो आप 50 रुपए की बिरयानी की प्लेट बेच रहे हैं, इसमें आपको नुकसान नहीं है? ये नुकसान नहीं गा तो घर तैयार करीदा वा, घर तैयार करने की वजह तो यह थोड़ा खर्चा कम हो जाता है। कुछ मुर्गी वाले, चावल वाले थोड़ी रेत करते हैं 10-20 रुपए, आवाम से मतलब दूसरे लोगों से मैनेज हो जाता है। मुझे ये बताएं कि तैयारी आप खाने की सारी घर में करते हैं, घर से पका कर लाते हैं सब कुछ? जी जी, सब कुछ घर से पका के पैक करके गाड़ी में रख के फिर लेके आता हूँ। तो ये बताएं कि खाना बनाना आपने कब सीखा, ये किस तरह बनाना आया आपको? खाना बनाना बेगम से सीखा। बेगम ने सिखाया आपको बिरयानी पकाना, तो उन्होंने सिखाई और फिर आप बनाने लग गए। मुझे बताएं कभी घर में भी आपने खाना पकाया इनके अलावा? नहीं, घर में नहीं पकाया कभी। उनको भी कभी नहीं खिलाया? नहीं नहीं, घर के में पका के नहीं खिलाया। ये बिरयानी जो है ये खा लेते हैं सब। तो कितने किलो आप चावल लेके पकाते हैं और कितनी किलो मुर्गी डलती है उसमें? फिर मुख्तलिफ दिनों के मुख्तलिफ मतलब किलो होंगे ने, 200-150 तो 200 डब्बे तक, मतलब इतवार वाले दिन छुट्टी होंगी है बाजार, थोड़े कम बनाई दे हैं इस तरह, मतलब मुख्तलिफ दिनों नाल उस हिसाब नाल जिन्ने चावल हो उस हिसाब नाल मुर्गी। कितने बजे आप सुबह यहाँ आते हैं? सुबह तकरीबन 10 बजे। वापस कितने बजे जाते हैं? वापस 4 से 5 बजे तक। 4 से 5 बजे तक सारे डब्बे बिक जाते हैं या रह जाते हैं? नहीं, सब बिक जाते हैं। अब हलवा भी खत्म हो गया, खीर भी खत्म हो गई है। मुझे ये बताएं कि जब आप यहाँ बेचते हैं तो जो लोग आपके पास आते हैं, कौन सा तबका आता है? मजदूर है, स्टूडेंट्स भी आते हैं यूनिवर्सिटी के, कौन आते हैं और लोगों का क्या रवैया, क्या रिस्पांस होता है जब आपको देखते हैं बेचते हुए सस्ती बिरयानी, जब वो खाते हैं आपसे लेकर? मजदूर भी आते हैं, स्टूडेंट भी आते हैं, खुश होते हैं, दुआएँ देते हैं। आपको क्या महसूस होता है? मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं आवाम के लिए कुछ कर रहा हूँ। क्या सोच थी आपकी जिसने आपको मजबूर किया कि आप आवाम की खिदमत करें? क्या ऐसा सोच थी, क्या दिमाग में आया जो आपने साल पहले गाड़ी पर रख कर खाना बेचना शुरू किया? असल सोच तो यतीम बच्चियाँ लई मतलब बनाउण दा सी कोई अदारा, वो अजे फिलहाल थोड़ी देर सी, ये जल्दी तैयार हो गया थोड़े खर्चे, ये तैयार पहले करता था। सर मुझे ये बताएं कि आप इस काम के अलावा कोई और नौकरी, कोई काम नहीं करते? नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं करता, बाकी की ज़िंदगी इसी काम के लिए वक्फ है। सर, साल पहले ऐसी क्या बात आपके दिल को छुई, क्या बात, क्या सोच आपको आई कि आपने सोचा कि आप गाड़ी पर खाना रख कर बेचेंगे? कुछ साल पहले मेरे एक दोस्त बुरे वाला में, वो उस वक्त सस्ता था 20 रुपए में, फिर 30 में, मतलब वो आवाम को खिलाता था। मुझे ये बताएं कि जो यहाँ से आमदन होती है कितनी को होती है और उसमें क्या घर का गुजारा हो जाता आपके? नहीं, ये इसमें से घर का खर्चा नहीं निकलता, ये तो इन्हीं पैसों से कल दोबारा बन जाएगा। ये मुनाफे वाला नहीं है, कारोबार नहीं है, ये आवाम की खिदमत है। ये 50 का ही, मतलब कभी 200-400 जेब से डालना पड़ जाता है, कभी बराबर हो जाते हैं, कभी को मतलब कोई आ जाते हैं ऐसे लोग भी कि जिनके पास होते ही नहीं हैं पैसे, वो भी खा जाते हैं 2-4-5-10।
फिर इसमें एक और है कि लंगर तकसीम करने वाले भी आ जाते हैं, वो कोई 500 का, कोई 1000 का, मतलब कोई 10 खाने तकसीम कर गया, कोई 5 कर गया, ये भी है, ये भी काम चलता है। ठीक है, और जो बिरयानी के अलावा आपके पास खीर और हलवा है वो भी आप घर से पका कर लाते हैं, वो कितने किलो होता है? बिरयानी के अलावा हलवा और खीर भी घर से बनाते हैं, वो भी मतलब 50 रुपये खीर के बना लिए, 40 हलवे के बना लिए, 150 इसका बना लिया बिरयानी का, ऐसे ही तरतीब से चलता है। और जो एक बार बिरयानी आपसे लेता है 50 रुपये की, अगर उस पर पैसे ना हो तो क्या वो दोबारा डब्बा भी आपसे खरीद सकता है? हाँ, खरीद सकता है बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ है कि ऐसे भी लोग आए हैं जिनके पास 50 रुपये भी नहीं है खाने के लिए और उनको आप मुफ्त दे देते हैं? 2-4-5 रोज़ आते हैं रोज़ाना, मतलब आ जाते हैं, पूछते हैं कितने का, 50 का, मेरे पास तो 50 भी नहीं है, मैं उनको कहता खा लो डब्बा, कोई गल नहीं, खा के चले जाते हैं। सर मुझे बताइएगा कि आपके साथ आपके फैमिली के और मेंबर्स भी, 7 अफराद जो हैं वो भी आपके साथ काम करते हैं, कौन है जो आपके साथ मिलकर सारे हेल्प कराते हैं? सारे घर वाले, मतलब कभी ज़रूरत पड़े तो हेल्प करा देते हैं। आपका भांजा भी आपके साथ यहाँ पर काम कर रहा है? जी जी, भांजा भी, मतलब भतीजा भी कभी आ जाता है, कभी बेटा फारग हो तो वो भी आ जाता है, जो फारग होता है, मतलब अब छुट्टियाँ चल रही हैं तो वो थोड़ा थोड़ा टाइम आ जाते हैं, जिसकी ज़रूरत हो उसको बुला लेते हैं। सर आपने बताया कि आप घर से सारा खाना पका कर लाते हैं, मुझे ये बताइएगा कि चावल कौन सा इस्तेमाल करते हैं? बासमती होता है, कर्नल होता है, कौन सा चावल है जो आप इस्तेमाल करते हैं बिरयानी के लिए? कायनात होता है, जो सबसे अच्छा होता है, कायनात स्टीम। और कितना इसके ऊपर खर्चा आता है तमाम चीज़ों पर, मतलब बिरयानी के अगर 200 डब्बे आपने एक दिन में तैयार करने हैं तो उसके ऊपर कितना खर्चा आता है, क्या उस पर कीमत लगती है गोश्त और चावल सब कुछ खरीद कर? मतलब अगर 200 डब्बा तैयार करना है तो 9.5-10 हज़ार के दरमियान सारी चीज़ों का खर्चा आता वा, इन्ने की वे आते हैं, मतलब 100 कभी बढ़ जाता है, कभी 100 कम हो जाता है, अगर मतलब खर्चे से डब्बे ज़्यादा हो जाएँ 2-4 तो वो तकसीम कर देते हैं। सफदर साहब से तुमने बहुत सी बातें कर ली हैं, इनके साथ इनके भांजे होते हैं जो दिन रात इनके साथ मिलकर यहाँ पर मेहनत करते हैं और बिरयानी लोगों को बांटते हैं, तो उनसे बात करते हैं कि पढ़ाई के साथ वो ये काम किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। फरीद मुझे ये बताएं कि आप अपने खालू के साथ मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो आप सुबह कितने बजे आते हैं और फिर वापस कब जाते हैं? मैं सुबह 10 बजे आ जाता हूँ। पढ़ाई के साथ ये काम करना कितना मुश्किल है, किस तरह से टाइम मैनेज करते हैं फिर? पहले तो मैं कम टाइम देता था, अब जो कि समर वेकेशन चल रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा दे रहा हूँ। अभी स्कूल कॉलेज वगैरह खुल जाएंगे तो फिर 2-3 घंटे बस टाइम दिया करेंगे। तो कैसा महसूस होता है जब आप यहाँ पे खाना जो है गरीब लोगों को या उन लोगों को खिलाते हैं जिनके पास पैसे नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, कैसा महसूस होता है, लोगों का क्या रिस्पॉन्स आता है? अच्छा महसूस होता है, लोग दुआएँ देते हैं, वो कहते हैं अल्लाह आपको कामयाब करें, तो ये सुन के बहुत अच्छा लगता है, इसलिए दिल करता है यहीं खड़े रहें। दिल करता है यहीं खड़े रहें, हाँ जी, लोगों की खिदमत करते रहें। मुझे ये बताएं कि फरीद जो खाना आप लोग घर से पका के लाते हैं, क्या वो आप खुद भी खाते हैं मजदूरों के साथ बैठकर? जी दोपहर के वक्त, क्योंकि यहीं रहता हूँ मैं, अब समर वेकेशन है इसलिए, तो दोपहर का खाना मैं यहीं से खाता हूँ। तो उन सब मजदूरों का जो खाना खाने आए हो तो उनके साथ बैठकर खाते हैं? हाँ जी, उनके साथ ही बैठ के खाते हैं। फरीद जब आप यहाँ बेच रहे होते हैं तो कभी ऐसा दिमाग में आया कि मेरे दोस्त या जैसे कॉलेज के जो दोस्त हैं वो मुझे गुजरते हुए देखेंगे तो कहेंगे यार तुम क्या वो FSC करके बिरयानी बेच रहे हो यहाँ पे, तो कभी ऐसा माइंड में आया आपका, ये ऐसा खौफ आया? नहीं नहीं, वो तो मुझे कहते हैं वाह यार तुम क्या काम कर रहे हो, वो अच्छा ही कहते हैं, लेकिन कुछ होते हैं शरारती दोस्त, वो कहते हैं ये रोड पर खड़ा होता है ऐसे, लेकिन ज़्यादा दोस्त जो हैं वो बेहतर ही कहते हैं, कहते बहुत अच्छे रिस्पॉन्स होते हैं उनके। घर वाले क्या कहते हैं? घर वाले भी कहते हैं बच्चा हमारा काम लगा हुआ है, आवारा गर्दी नहीं करता है। अच्छा मुझे ये बताएं फरीद कि जो आप लोग 200-150 डब्बा जो है रोज़ का तैयार करके यहाँ लाते हैं, खालू आपके पकाते हैं, तो आप भी खाना पकाने में उनकी मदद करते हैं? जी मैं भी सुबह टाइम उनकी मदद करता हूँ खाना पकाने में, और फिर पैकिंग भी मैं साथ में करवाता हूँ, फिर गाड़ी ये लेके आ जाते हैं, फिर मैं नहा धो के आ जाता हूँ साथ। तो गाड़ी आप घर से चला कर यहाँ लाते हैं और फिर बेचते हैं, मुझे ये बताएं कितने बजे सब डब्बे खाली हो जाते हैं? तकरीबन 4:30-5 बजे तक सारे डब्बे बिक जाते हैं। फैमिली का माहौल सारा यहाँ बनता है? बिल्कुल, वह दोस्त ही बन गए हैं यहाँ पे, दिन में दोपहर के वक्त आते हैं, शाम के वक्त आते हैं, सुबह का कई लोग नाश्ता भी करते हैं, रिश्ते वाले भी दोस्त बन गए हैं। फरीद आपकी, आप और आपके खालू जो हैं बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन है, इंस्पायरेशन है, आप खिदमत हल कर लोगों को खाना खिलाते हैं, उन लोगों को जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तो मुझे बताएं क्या कहना चाहते हैं आप उन लोगों को जो घर बैठ कर आपको देख रहे हैं? मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि अपना टाइम वेस्ट मत करें मोबाइल वगैरह में,
गेमिंग वगैरह में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि रियल लाइफ में आकर लोगों की मदद करनी चाहिए और कुछ करके दिखाना चाहिए अपने दम पर। ठीक है, थैंक यू सो मच।